Assalamualaikum, this is Rafika Kareem from Justice for All. और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोइज अवान जो कि एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं. ओके, सो हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर एक गाली वी कैन से, बट नहीं ऐसा नहीं है. तो एज अ ट्रांसजेंडर आपको कब महसूस हुआ कि देयर शुड बी अ चेंज फॉर योर कम्युनिटी? बचपन में क्योंकि देखिए हमारा तो होता ही है ना, हम लोगों को तो कभी नहीं पता होता कि हम एबनॉर्मल हैं, क्योंकि हम तो नॉर्मल हैं. खुदा गलतियाँ नहीं करता. गॉड मेक्स नो मिस्टेक्स. गॉड का हर डिज़ाइन ब्यूटीफुल है. एक इलाका था जिसके अंदर बड़े खूबसूरत काले रंग के और सफ़ेद रंग के घोड़े होते थे, लेकिन बस खुदा ने क्या किया, एक म्यूटेशन कर दिया, एक ऐसा घोड़ा पैदा हो गया जिसके सुनहरे रंग के बाल थे. खूबसूरत, वो सबको खूबसूरत लगने लग गया. लेकिन ये हमारे पास आद समूद के अगर आप वाकया देखें कुरान के अंदर जो आए, उसके अंदर एक ऊँटनी बनाई गई, वो ऊँटनी देखने के अंदर इतनी खूबसूरत नहीं थी, उसका कोहान थोड़ा सा टेढ़ा था. और उस जो पैगंबर थे उनको खुदा ताला ने बोला कि ये इसकी तुमने हिफाजत करनी है क्योंकि ये भी मैंने बनाई है. लेकिन उसको हमने उस ऊँटनी की हिफाजत ना की और उसको मार दिया और उसके उनके पर अजाब आया. तो खुदा तो हर सूरत के अंदर मुसव्विर कायनात की मुसव्विरी तो मुसव्विरी है, हम तो सिर्फ देखने वाले हैं, तो सिर्फ खुदा की मुसव्विरी के मदाह हो सकते हैं और उस मुदा होने में उस खुदा के आशिक और उसके माबूद हो सकते हैं, वो हमारा माबूद और हम उसके इबादत गुजार हो सकते हैं. लेकिन हम उससे इनकारी तो कभी नहीं हो सकते. लेकिन कुछ माशरों के अंदर लोग इनकारी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि देखो खुसरा लफ्ज हमारे यहाँ ये इस्तेमाल किया जाता है. ट्रांसजेंडर तो अब आया, बचपन में जो हर बच्चे को सुनने को मिला वो खुसरा, खुसरे वाली हरकत, खुसरे वाले तौर, खुसरे वाले अंदाज, खुसरे वाली गल्ला, खुसरे वाली चाल. तो मेरे साथ ही कुछ इतना हो रहा था तो मुझे लगा कि खुसरा क्या होता है. मैंने बोला कुछ को पूछा कि तुम क्या होगे, तुम खुसरा हूँ. मैंने एक्सेप्ट कर लिया मैं तो खुसरा हूँ. तो मैं मेरी प्रेप क्लास की मिस ने मेरी शिकायत कराई मेरी अम्मी को. मैंने बोला कि आपका बेटा कैसी बातें कर रहा है. ऐसे क्लास में किसी ने पूछा कि तुम फैंसी ड्रेस पर क्या बनोगी, तो बनोगे, तो उसने आगे से बोला कि बनोगी भी बोलती थी ना, बच्चे तो मासूम होते हैं ना. छोटी थी तो मैं लड़कियों के साथ भी खेलती थी, लड़कों के साथ भी खेलती थी, दीदी करके बात करती थी. बच्चों को तो नहीं पता कि नफरत करनी है, बच्चे चिल होते हैं, बच्चों को नफरत सिखाई जाती है. तो बच्चों को आगे मिस ने बोला कि खबरदार लड़कियों तुमने मोहित साथ ही खेलना, ये लड़का है, लड़के सिर्फ लड़कों के साथ खेलेंगे और लड़कियां सिर्फ लड़कियों के साथ खेलेंगे. सारे छोटे बच्चों को मगर हसीब भी तो मेरा दोस्त है, बस्मा भी तो मेरी दोस्त है, हम सबको आपस में खेलने देना, चार चार पाँच साल के बच्चे. तो मिस ने आगे से कहा मेरी घर पर शिकायत लगा दी. तो मैंने मिस को बोला कि मिस ने बोला क्या बनूंगी फैंसी ड्रेस. मैंने कहा मैं खुसरा बनूंगी और मैं प्यारा सा शीशों वाला फ्रॉक पहनूंगी और मैं डांस करूंगी बहुत फिट किस्म का. तो मेरे घर पर शिकायत लगी, तुम्हारा पुत्र तो यह जी गला कर दे. और तो कहते मैं खुसरा था. मुझे घर ने पूछा कि तुमने खुद को क्यों बोला कि तुम खुसरा. मैंने बोला क्योंकि आपको मुझे बोला कि खुसरे वाली हरकतें करते हो तुम, तो फिर तुम्हें खुसरे हुई ना. यानी तुमने बोला नहीं, तुम क्या हो लड़के और तुमने क्या करना है लड़कों वाली हरकतें, तो लड़कियों वाली हरकतें नहीं करनी. तो मुझे मुझे होगी अच्छा, कुछ होती हैं लड़कों वाली हरकतें और कुछ होती हैं लड़कियों वाली हरकतें, ये करना है ये नहीं करना. फिर भी वो हो जाती. वो क्या था, वो ये था कि यूं क्यों किया, यूं क्यों किया, नेचुरल है कलर यूं क्यों किया, कुछ भी. हालांकि वो नेचुरल चीज है, वो बच्चे बच्चियां सब करते हैं. तो एक ने मुझे इतना कहा कि लड़कियों वाली हरकतें मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो, कि मैंने अगर फट बोला, मैंने कहा लड़कियों वाली हरकतों में क्या बुरी बात है. सवाल तब पैदा हुआ और इसका जवाब किसी के पास में नहीं था. और तब मैं समझ गई यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कि चलो छुपा तो लेती हूँ खुद को, पाँच साल की उम्र से बन तो जाऊंगी. तो बाद में मर भी बनी झूठी थी. दो कप मैंने ऐसा अपने ऊपर रूप चढ़ा, उल्टा ब्लेड पकड़ के ये मैंने शेरें फेरी ऐसे ऐसे दगड़ 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 दगड़, क्योंकि माशरे के अंदर अगर आप जान जाते हो और आप मर्दों के बीच में घिरे हुए हो तो फिर तो आपको मर्द बनना है ना बचने के लिए, क्योंकि नजर तो आपके ऊपर सबकी होती है. तो आपको अपना बेशक ना पता हो, लोगों को आपको जरूर पता होता है, वो आपकी चाल से समझ आते हैं. बचपन से आपको हवस का निशाना बनाया जाता है, लोग आपको ग्रूम करने की कोशिश करते हैं, लोग आपको सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं. तो आपने परफेक्ट होना होता है, यू हैव टू बी गुड एट एवरीथिंग, यू हैव टू बी बेस्ट एट स्टडीज, यू आर आइदर नंबर वन और यू डेड, दैट्स करेजियस, यू आर आइदर डेड और यू आर नंबर वन, देयर इज नो अदर वे. तो मैंने तब ये ठान ली थी, मैंने कहा था कि ये दुनिया मुझे जो फॉर्मूले दे रही है मैं इनको खाऊंगी. ये कहते हैं मर्द बनो, मर्द बनकर दिखाऊंगी. ये कहते हैं लाइक बनकर दिखाओ, मैं लाइक बनकर दिखाऊंगी. ये कहते हैं डॉक्टर बनो, मैं तुम लोगों को डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी. और जब मैं सब कुछ कर लूंगी ना, जब मैं सारा कुछ ले लूंगी, वो तमाम चीजें ले लूंगी जो तुम लोगों ने मुझे कहा है कि एक मर्द के पास दुनिया के अंदर होनी चाहिए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं अल्लाह की बनाई हूँ ख्वाजा सरा मखलूक हूँ. अब मुझे बताओ, वो चीजें तुम लोग कहते थे कि तुम खुसरे कर ही नहीं सकते, ये लोग कर ही नहीं सकते, और मैं सारे काम कराऊंगी, तो फिर मैं तुम्हें दसांगी कि मैं तो मर्द सा, मैं तो मर्द थी नहीं. मैं मर्द थी नहीं, मैं तो अल्लाह की बनाई हुई ख्वाजा सरा थी, मेरे अंदर तो रूह भी वो, हम तो बस चलते हैं और हो जाता है. तो ये तो वही किया वाला था, वो एक
कुछ एक कलंदरियत सी जाग गई थी कि बस अब नहीं है, अब नहीं, वो मैं नहीं है, ये बात अलग है, ये मैं लड़के दिखाऊंगी, वो ये वाली फील आ गई थी कि मैं लड़के दिखाऊंगी। ये बहुत अच्छी बात है और ये हर ट्रांसजेंडर्स में भी हर कोई नहीं कर पाता, ठीक है, देयर आर द चोजन वंस गॉड की तरफ से कि तुमने एक एग्जांपल सेट करनी है। मोइस तुम बनोगे डॉक्टर, मोइस तुम जो है वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को अच्छा फील करवाओगे, उनको फील करवाओगे कि दे आर सेम लाइक अदर्स। एब्सोल्युटली राइट। एंड नॉट सिर्फ यू बट आप जब ये काम करने लगेंगे तो आपको अपने साथ और इतने चमकते हुए मोती नजर आएंगे कि आप बोलो कि मैं अकेली नहीं हूं। एग्जैक्टली, क्योंकि उस दूसरे अकेलेपन का, तन्हाई का एक बहुत बड़ा मसला ही होता है, अगर आप उसमें कामयाब हो जाए ना तो आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कि मेरे बाकियों को देखो उन्होंने तो कुछ भी ना किया, मैंने इतना कुछ कर लिया। तो ये फकीरी बहुत जरूरी होती है। हम ख्वाजा सराओं के अंदर ये वाली चीज बहुत अच्छी है कि अगर आपका ताल्लुक एक अच्छे गुरु के साथ है, एक अच्छी प्रॉपर सूफी लिनियज के साथ है, जहाँ पे खुदावंद की बात होती है, रूह की बात होती है, तमाम चीजों की बात होती है, तो फिर आप अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहते हो। आप ये जानते हो कि जब दरख्त के ऊपर फल लगता है तो वो दरख्त नीवा होता है, वो झुकता है। आपने घमंड में कभी भी नहीं आना, आपने गुरूर के अंदर कभी भी नहीं आना, क्योंकि गुरूर की इजाजत नहीं है इंसान को, फखर, खुद पे फखर करने की इजाजत है, हम वो करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। तो फिर आपको मोती नजर आते हैं कि ये देखो वाह, ये मेरी बहन कितना खूबसूरत डांस करती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके माँ बाप ने टांगों में गोलियां मारने की धमकी दी थी, मगर आज भी हिम्मत के साथ हम बहनों में खड़ी होकर गाना लगाती है और कहती है मैं तुम लोगों को नाच के दिखाऊंगी। ये बहादुरी है और मोटिवेशन मिलता है आपको ये छोटी छोटी चीजों के अंदर ना, आपको खुदा का जादू नजर आता है कि ये देखो हर वो चीज जिसको हम लोगों को पहले कहते ये क्या है, अब वो आपको टैलेंट नजर आती है, अब आपको पावर नजर आती है। एक लड़की जिसको आर्ट्स करने का शौक था लेकिन माँ बाप ने जबरदस्ती डॉक्टर बनाया, तो वो रोजाना रात को कमरे के अंदर बैठकर पेंटिंग करती है और अपने दर्द का उसके अंदर इजहार करती है। ये पावर है। पावर इज़न्ट सड़क पर निकल के लड़ाई करना, पावर इज़न्ट जस्ट हमारी तरह मार्चों पर निकल जाना। खुदा ने हर किसी को उसके जौक, उसकी शख्सियत के मुताबिक ताकत दी है, उसके सिले का, उसकी तकदीर के अंदर लिख दिया है कि तुमने खुद की खातिर ये करना है, तुमने औरों की खातिर ये करना है। वो पहचानना हमारा काम है, उस सफर पे निकलना, उस दरवेशी पे निकलना, उस सफर को, उस राह को पहचान जाना, अपनी जिहाद पहचान लेना, वो आपका काम है। बिकॉज देखिए, सबसे पहले दुनिया की गजवा गजवा बदर थी, हम लोग थोड़े से थे, ऊपर थे मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ये वाली बात नहीं कह रही हूँ, मगर सूरह अनफाल बड़ी खूबसूरत आया था कि तुम जब मांगोगे तुम कतार दर कतार फरिश्ते भेजेंगे तुम्हारी मदद के लिए। डू इट, नियत, डू इट। गॉड ऑलवेज स्टैंड्स विद द ऑप्रेस्ड as long as the oppressed stand with themselves. हमने वो hope रखनी होती है, we have to expect it and we have to believe in the power of people and in the power of love, because God is love. Yes. At the end of the day, वो 70 माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है, वो महबूबों से प्यार करता है, तो वो आपके साथ है। ये लोग हमें बड़ा बताते हैं कि तुम women rights की बात कर रही हो, दायरा इस्लाम से खारिज हो गई हो। Excuse me, ग़ज़वा खंदक के अंदर होता कि पहले काफिर का सर कलम करने वाली हज़रत उम्मे उमारा थी, तुम औरतें सड़क पर निकल आई हो, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये पाकिस्तान के कल्चर के खिलाफ है। एक्सक्यूज मी, लाहौर के अंदर सेंट्रल जेल के ऊपर पहला पाकिस्तान का झंडा फातिमा सुग़रा ने लहराया था। औरतें सियासत के अंदर नहीं आ सकती? एक्सक्यूज मी वंस अगेन, पहला मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान, उसके साथ एक औरत खड़ी उठ गई थी जिनका नाम था फातिमा जिना, कायदे आजम की बहन। कौन कहता है ये कि हमारी औरतें ना ये कर सकती हैं, ना उन्होंने कभी किया? हमारी सकाफत में तो जंगजू रही औरत है। औरतें ना होती, औरतें सड़कों पे ना निकली होती, औरतें ताकतवर ना होती, आज आपका पाकिस्तान ना होता। शाना बशाना चलने, मर्द को शाना बशाना चलने की जरूरत है, जन साथ लीड कर रही होती है। डेमोक्रेसी रिस्टोर करने वाली औरत बेनजीर भुट्टो, हर ढंग का काम पाकिस्तान के अंदर खातिन ने किया है। मैं ये नहीं कह रही कि मर्द बुरे हैं और औरतें अच्छी है, मैं ये कह रही हूँ कि औरत को खुदा ने बहुत ताकत दी है, क्योंकि पैदा करने वाली जात भी औरत की होती है और क्यामत के रोज औलाद भी माँ के नाम पर उठाई जाएगी। सो औरत इज ये, अब वो टाइम आ गया कि हम लोग औरतों को पोजीशंस ऑफ पावर देना शुरू करें। ये ना करें कि औरतों को भी आगे आना चाहिए, अब हमें कहने की जरूरत है कि औरतों को ही आगे आना चाहिए। मर्दों का रिजर्व कोटा रख देते हैं 33%, मर्दों का रिजर्व कोटा रख देते हैं, बाकी हम लोग 50-50 आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अच्छी स्ट्रेटेजी है। Beautiful, beautiful voice. अच्छा, moving towards another question, जो कि बहुत important है, national identity card में पहले male और female का option हुआ करता था, and अब बहुत अच्छी बात है कि transgender का भी option है। उससे हमारी आपकी community को क्या फर्क पड़ा, and personally आपको कैसा feel हुआ? अच्छा,
ये अमल तो बहुत अच्छा था और ये स्टेप तो बहुत अच्छा था कि आप शनाख्ती कार्ड आपने क्रिएट किया। बाय द वे सिर्फ मेल फीमेल की कैटेगरी नहीं है, अब ट्रांसजेंडर के अंदर भी मल्टीपल कैटेगरीज हैं ख्वाजा सराओं के अंदर भी। और उसकी वजह ये है कि जो एक्स होता है यानी कि अगर आप मर्द या औरत नहीं है तो आपके कई नाम हो सकते हैं। कुछ कल्चर्स के अंदर मुहन्नसीन कहा जाता है, कुछ कल्चर्स के अंदर हमारे के अंदर ख्वाजा सरा कहा जाता है, कुछ में इंडिया के अंदर बाय द वे आप यू वुड बी सरप्राइज इज्जत का हिजड़ा कहा जाता है, कुछ में कोठीपंथी कहा जाता है, कुछ जो है वो उनका ताल्लुक सूफीज्म के साथ नहीं है तो वो ट्रांसजेंडर वुमन या ट्रांस पर्सन की टर्म पसंद करती हैं। कुछ है जिनको खुदा ने दोहरी शख्सियत दी होती है, उनके अंदर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों जनाना और मर्दाना खसूसियात पाई जाती हैं, ठीक है, ऐसे भी अफराद मौजूद होते हैं। तो आप शनाख्ती कार्ड पे आपकी एक्स की कैटेगरी तो आ जाती है मगर उसके पीछे बैक एंड के ऊपर आपकी मल्टीपल कैटेगरीज और हैं जो आप लिखवा सकते हैं अंदर, ख्वाजा सरा मर्द, ख्वाजा सरा औरत, मुखन्नस, खुनसाए मुश्किल, खुनसाए असल, जेंडर नॉन बाइनरी, ट्रांसजेंडर वुमन, ट्रांसजेंडर मैन, मल्टीपल कैटेगरीज नादरा ने डाली हुई। और ये एक इस्लामी मुल्क के अंदर एक इस्लामी कानून के तहत हुई है और हम लोगों को हमेशा यही बताते हैं जो कि मेरे ख्याल से जिनाद साहब भी करते थे और प्रिंस आगा खान ने भी किया है काफी ज्यादा कि आप लोग चांस तो दो इस्लाम के अंदर रैशनल थॉट को आगे आने का। इज्तिहाद को बंद हम क्यों कर रहे हैं, हम डिस्कोर्स को डायलॉग को बंद क्यों कर रहे हैं, वो भी तो हम मुसलमान ही थे ना जिन्होंने साइंस पे साइंस कर दी, जिन्होंने वो फलसफा कर दिया कि दूर दराज इलाका जहां से लोग कुर्दबा और टैक्सिला और इन तमाम हमारे इलाका मराकेश जाया करते थे। दुनिया की पहली डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी टूनिसिया के नाम पे फातिमा अल फिक्री ने बनाई जिनका ताल्लुक फातिमी एम्पायर से था, ठीक है। अच्छा टैक्सिला के मकाम पे हमारे इलाकों के अंदर हमारी पहली वो थी यूनिवर्सिटीज थी। तो हम लोग ये हैं, बिल्कुल हम लोगों को कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू बी समबडी टू एक्सेप्ट ट्रांसजेंडर्स, वी डोंट हैव टू बी समबडी एल्स टू एक्सेप्ट वुमेन्स राइट्स, वी हैव टू बी अस, वी हैव टू रिमेंबर दिस। सो सवाल क्या था? CNIC ट्रांसजेंडर। तो वो जब ऑप्शन आ गई ना तो उससे ये हुआ कि अब एक इंस्टीट्यूशन ने प्रोटेक्ट कर दिया मगर उस पर एक और मसला बना, क्योंकि हमारे यहाँ ना लोग हमारे यहाँ खोटे सिक्के भी बहुत होते हैं, हमारे यहाँ मीर सादिक मीर जाफर बहुत होते हैं जो कि हमेशा खुद आके आपके अंदर हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर, मैं बोलूंगी हमारे ख्वाजा सराओं के अंदर ऐसी काली भेड़ें मौजूद थी जिन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी जितनी भी वो वाली मूर्त बहने जो स्कूल नहीं गई जिनको कानून का पता नहीं है, आपको पता है उन्होंने उनको बजाय क्या बोला कि तानू पता थोड़े नाल की होने लग गया है, हुकूमत आएगी और वो आपको एक्स का शनाख्ती कार्ड देकर जाएगी। अब उनको एक्स नहीं पता क्या होता है, उन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ी कभी, उन्होंने पूछा एक्स वो की होता है, उन्होंने कहा मैं तानू दस नहीं हूं, और उसने यू करके क्रॉस बनाया एक्स तो ये है। अब आप एक जो कभी स्कूल नहीं गई और आप ऑलरेडी एक ख्वाजा सरा है जो कितना दबी भी डरी हुई है, आपको बोलूंगी हुकूमत आपको ये कह रही है, आप क्या बोलेंगे? जिनका ताल्लुक फकीरी की जमात से है, फकीरी के अंदर हमारी जो ख्वाजा सराएं होती है ना वो बिल्कुल असेंडेंट होती है, वो सूफी होती है, उनका होता है दुनिया छोड़ो और खुदा की राह में साइड जाओ, वो ये दुनियावी वो दुनियादारी को नहीं मानते, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारी बुजुर्ग है उनका अपना मानना है, मगर उनको कोई जाके बोल रहे कि जी ट्रांसजेंडर वुमेन आर वुमेन तो वो कहती है गाल नहीं माननी है, तो अब उनको जाकर उन्होंने इसके खिलाफ कर दिया, उन्होंने बोला कि देखो ये क्या ले आई है, होड़ खुसरे औरतों बन के मर्दा नाल व्याह करने लगे ने, ये बातें करनी शुरू कर दी, तो हमको फिर जाके अपनी कम्युनिटी को बड़ा बताना पड़ा। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम आया था विच वी वर नॉट एक्सपेक्टेड, लेकिन वी आर डीलिंग विद इट पाकिस्तानी पब्लिक इज ऑन आवर साइड, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ऑन आवर साइड, द एंटायरिटी ऑफ द पार्लियामेंट वाज ऑन आवर साइड। ये एक छोटी सी नफरत फरोश कम्युनिटी है जो कि सारे के सारे काम कर रही है, पाकिस्तान बाकी मेरे ख्याल से पाकिस्तानी लोगों में अब मोहब्बत की उम्मीद जाग चुकी है, वी आर नॉट गोइंग बैक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुइज अवान एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके।